खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के तरीके भी सीखे हैं और उन्हीं से हमने वो कहावतें भी सीखी हैं जिसमें अगर मुद्दे डायवर्ट हो तो समय पर बोल देनी चाहिए। तो आज मैं बोलूंगा जरूर कि तू इधर उधर की बात न कर, ये पता कि ये कारवा लुटा तो लुटा कैसे, लोगों को बुलाया गया यहां पर सैलरी के मुद्दे पर, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बेसर मक्कार लोगों का पर्दाफाश करने के लिए कि बताओ कि हमारे एडॉक साथी कोस्ट एम्प्लॉय कैसे बन गए, बताओ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेजों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि हमारी महिला साथी वहां के बाथरूम तक प्रयोग नहीं कर सकते ठीक तरीके से, वहां पर पंखे गिरते हैं, वहां की छतों में छेद हुए पड़े हैं, वहां क्लास ठीक से नहीं मिल रही है और कोई साथी गिनवा रहा है कि डायरेक्टर हायर एजुकेशन आया था वो पूछ रहा है कि वो सेंसर कहां है। अपना कोई साथी यहां पर हेफा गिनवा रहा है, कोई साथी यहां पर पंजाब का एक्टोशन गिनवा रहा है और दिल्ली सरकार पे कुछ नहीं, क्यों नहीं, नेगी जी ने सारे से कह दिया, आस्थाओं की पर चढ़ गई है कुछ के माथे पर कुछ की आंखों पर, तो वो जो एक्सोशन पंजाब सरकार ने किया, वो जो एक्सोशन राजस्थान सरकार ने किया जिसमें वो कुछ समय पहले थे, तो दिल्ली सरकार कर दे क्या आप सब लोगों के सामने ये मॉडल इन्होंने पेश नहीं किया था कि पिछली गवर्निंग बॉडी बनी थी, आज एसएसएम की गवर्निंग बॉडी ने एब्जॉर्प्शन का सर्वसम्मति से पास किया रेजोल्यूशन, आज अदिति कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने किया। करवा हम मान जाएंगे आपकी ईमानदारी पे कि 12 कॉलेजों में करवा लो, क्योंकि 12 कॉलेज तो आपके हाथ में है और बात हो रही है यहां पर सैलरी नहीं मिल रही, विस्थापन एक गलत बात है, होना ही नहीं चाहिए, लेकिन विस्थापन के बाद उन 10 को बढ़ाए हुए साथियों के मौके किसने रोक रखे हैं, उन 28 कॉलेजों पर सब कुंडली मारकर कौन बैठा है, आम आदमी पार्टी के वो नामुंदे नुमाइंदे जिनको अब अलग से एक ऑक्सीजन मिलने शुरू हो गई है दिल्ली विश्वविद्यालय से, उनको एक आए एक स्टेच्यू पर ऑर्डिनेंस पढ़ने आ गए हैं, अब वो एक आए हमारे टीचर्स के खिलाफ कितनी बातें कही जा सकती हैं, वो एक आए लिखने लगे, ऐसे थोड़ी है, प्राध्यापकों से वो आस्थाएं भटककर कहीं गई ना, अरे वो इतने एक स्टेच्यू पर ऑर्डिनेंस सैलरी किसी भी हालत में नहीं घटेगी इसके लिए तो बता देते, किसी राणे साहब को मैं सलूट करता हूं अभी, अरे डायरेक्टर आया एजुकेशन क्या पूछ के गया, जीबी ने क्या पास किया, प्रिंसिपल उनको क्या कम्युनिकेट कर रहा, उससे हमारी सैलरी का क्या लेना देना है, हमने काम किया हमारी सैलरी मिलनी चाहिए, हम वहां पर काम कर रहे हैं, हम मेडिकल फैसिलिटीज के हकदार हैं, हम वहां पर काम कर रहे हैं, हम एलटीसी प्राप्त करने के हकदार हैं, वहां पर अच्छी स्थिति अच्छा पर्यावरण जिसके लिए आंदोलन चल रहा है कि बेटर कंडीशन, उस बेटर कंडीशन में पढ़ाने का हकदार दिल्ली विश्वविद्यालय का हर एक टीचर है, दिया तो नहीं जा रहा है, गिनवाया जा रहा है, लेकिन वो भी कितनी चतुराई से कि दिल्ली सरकार का नाम भी बदलो, जैसे आज ही वहां कट जाएंगे और उनको विस्थापित कर दिया जाएगा वहां से, अरे ऐसा नहीं है ना, टूटा सिर्फ कहने से टूटा नहीं बनेगी, सबकी शक्ति एक साथ मिलकर आगे बढ़ेगी, एक साथ लड़ना पड़ेगा, रेगुलराइजेशन क्यों नहीं हो नियुक्ति, या लोगों का जीवन बर्बाद कर
आगे दशको से और आगे दशकों तक करते रहोगे। यागनी वीर गिनवाया, अभी शिक्षा वीर आने वाला है। बाकी जी ने भी बताया था मॉडल। केजरीवाल क्या कहता है कि जब भी उसका कोई मंत्री अरेस्ट होने वाला होता है उसको पहले पता चल जाता है, उसके बारे में पहले कहना शुरू कर देता है कट्टर है जी, कट्टर है जी, कट्टर है, और फिर वो चला जाता है मतलब जेल में। यही भी ऐसा ही हो रहा है। पिछले 3-4 बार के डेमोन्स्ट्रेशन अलग अलग जगह के पर यहां पर शिक्षा वीर गिनवाए जा रहे हैं, तो उन शिक्षा वीरों को इन्वाइट क्यों कर रहे हो? दिल्ली विश्वविद्यालय में तो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, आप हमारे साथियों को परमानेंट क्यों नहीं होने देना चाहते? क्यों 28 कॉलेज की आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट रुकवा रखी है? क्यों वहां पर सिलेक्शन कमेटी नहीं हो रही है? टूटा के तमाम प्रयासों के बावजूद भी अगर कोई साथी अपने कॉलेज में नियुक्ति नहीं पा पाया तो उन 28 जगह के मौके बंद करने वाले यही लोग हैं। 28 कॉलेजों में भी नहीं उनको नौकरी मिलेगी, ऐसा दिन यहां दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं आएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला एक साथी इसी विश्वविद्यालय में पक्का होगा, ये टूटा पर विश्वास हमको है, ये रखना पड़ेगा, नहीं तो हम यहीं पे विचलित हो जाएंगे। और मॉड्यूल मॉडल नहीं, मॉड्यूल आप देखिए, दो कॉलेजों के सदानंद कॉलेज का और लक्ष्मीबाई कॉलेज का, दोनों कॉलेजों के प्रिंसिपल्स ने सबसे पहले वहां के विज्ञापन पर, चेयरमैन ने वहां के विज्ञापन पर लिखित आपत्ति जताई कि यहां के विज्ञापन गलत है। लक्ष्मीबाई के चेयरमैन ने भी ऐसा ही लिखा, सत्यानंद के चेयरमैन ने भी ऐसा ही लिखा, और बाद में पता नहीं कहां से निर्देश आदेश आए और सेटिंग हो गई, वहां पे उन्हीं चेयरमैन ने इंटरव्यू शुरू करवा दिए। और सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट लक्ष्मीबाई कॉलेज और सत्यानंद कॉलेज में हुआ है। निकालो परसेंटेज, निकालो कौन चेयरमैन वहां पर बैठा हुआ था, किसने डिस्प्लेसमेंट, और निकालो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी से भेजे गए चेयरमैन, निकालो, पता लगेगा दूध का दूध पानी का पानी की कौन डिस्प्लेसमेंट करो। तुलना सिंह कॉलेज की, देशबंधु कॉलेज और करोड़ीमल की, लक्ष्मीबाई कॉलेज से और सदानंद कॉलेज से करो, हिम्मत होनी चाहिए, करो ना तुलना, पता चलेगा वहां 2% यहां पे 50% से ज्यादा। आंकड़ों से खेलते हैं ना, आंकड़ों से हमें भी खेलना आता है। और किसने करवाए, किन की सेटिंग के बाद हुए डिस्प्लेसमेंट, के 12 साल के संस्कृत में पढ़ाने वाला लक्ष्मीबाई का एक शब्द अगर किसी ने लिखा हो, एक भी टॉपी वाज ने लिखा हो, बता दो, एक भी आदमी ने लिखा हो कि लक्ष्मीबाई में संस्कृत में 10 साल से पढ़ा रही एक शिक्षिका को निकाल दिया क्योंकि एक पूर्व चेयरमैन के भाई को लगा दिया। पत्ते खुलेंगी वही शेर है ना दूसरा, कि बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएंगे और लोग बेरुखी का सबब पूछेंगे। तो ये जो इधर उधर घुमा रहे हैं ना, और सोशल जस्टिस कितना हो रहा है, वो तोमर के मामले में, रंसराज के मामले में हमने देख लिया, आम आदमी पार्टी में कितना सोशल जस्टिस हो। हाँ गौतम वाला, और यहां भी देख लिया। तो आप प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोगों को ये आंकड़े समझने पड़ेंगे, ये बहुत तेज सी आवाज में ऐसे करके बोलना, बेसिकली वो आंकड़े आपको नहीं दिखा रहे, वो आपके दिमागों को कुंद कर रहे हैं। ये भाषण सुनते सुनते बच्चे से हम बूढ़े होने जा रहे हैं, कितने धोखे यहां पर हुए हैं। और एक सच्ची लीडरशिप में और एक शूडो लीडरशिप में जब तक अंतर समझ में नहीं आएगा हमारे साथियों को, तब तक हम ऐसे ही वर्मित होते रहेंगे। चाहे इनके चेयरमैन है
फेसबुक पे आंकड़े हैं। करिए जीरो डे एक्सपीरियंस के लोग लगवाए सदानंद कॉलेज में, और यही हालत लक्ष्मीबाई कॉलेज में कर रखी है उन्होंने। कौन चेयरमैन है? ये भाषण देते हैं मैं भी चेयरमैन को, अभी कहा हमारे एक साथी ने क्यों नहीं कर दिया? इतना झूठा मक्कार चेयरमैन सदानंद कॉलेज का, टूटे की टीम वहां बैठी है और स्पीकर पे वो ज्वाइन करवा दिया लोगों को, और स्पीकर पे कह रहा कि हाँ हम शाम को मीटिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे कि हम दोबारा से सिलेक्शन कमेटी कन्वीन करवाएंगे, और जिनके साथ नाइट सब इन लोगों से पाला पड़ा हमारा, इन लोगों से पाला पड़ा है। आप सोचिए कि ये क्या कर रहे हैं आप लोगों के साथ। विस्थापन की लड़ाई कल लड़नी है हमने, हंसराज कॉलेज के गेट पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राध्यापक से, यहाँ के टूटा के मन से हम आह्वान करते हैं कि वो आए अपने एडवोक साथियों का साथ देने के लिए आए। कोई छुपी नीति किसी की नहीं है। जिस प्रकार से 4 दिसंबर के आंदोलन में एडवोक और परमानेंट साथ आए थे 2019 में, कल भी आए, उतना ही बड़ा मार्च करें। कल हम एमएचआरडी पे गए थे, हमारे दूसरे मुद्दे थे हमारे ईडब्ल्यूएस। अरे ईडब्ल्यूएस की बात छोड़ो, यहाँ तो डायरेक्टर आए एजुकेशन ने, फर्स्ट ब्रांच की पोस्ट वालों को पोस्ट इंप्लाई कर रहे हो, सेकंड ब्रांच के लिए वो नहीं देंगे ईडब्ल्यूएस, उनको ईडब्ल्यूएस नहीं देनी, एमएचआरडी को देनी है। खाली मना तो नहीं कर रही है, यूजीसी भी मना नहीं कर रही है, अभी टूटा वाले गए थे, लेकिन इधर से दिखाओगे उधर से नहीं दिखाओगे, ये तो सिक्के के दोनों पहलू देखकर चलने पड़ेंगे, और तभी आंदोलन मजबूत होगा। और आखिरी में सुधांशु भाई की इस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि ये लोग बहुत बेशर्म है, और इनकी बेशर्मी का पता जब तक टूटा नहीं हटाएगी पूरी दिल्ली के अंदर पोस्टर लगाकर ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, एलजी साहब को भी आंकड़ों के फेर में घुमा दिया। भी उन्हें किसी ने बताया पीछे से एक जीरो हटा दी, बोले जी गलती से। बहुत मकान लोग हैं लेकिन इनका पाला टूटा से बड़ा है, ये इनको विचार लेना चाहिए, इनकी मक्कारी का हिसाब यही होगा। और अपने बीच में से धोखा देने वालों को दिल्ली विश्वविद्यालय का प्राध्यापक पहचान चुका है, वो आगे भी जवाब देगा। आपने मौका दिया सेक्रेटरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।